एक मिनट अलाउ करी तो परम अपरम, परम मतलब दूर, प्री धात में अच उपसर्ग लगा के परंपरा शब्द के निर्माण भेलै है कि परम प्रिपत्ति परम परम के ज्ञान का एखन आननाय परंपरा कहै छै। पर माने होइ छै दूर के, अपर होइ छै नजदीक। तो पर और अपार ई दू तरहक होइ छै। वैशेषिक सूत्र के अपने चर्चा केने रही, वैशेषिक सूत्र में कहल छै जे सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्यांग परम अपरंग चो, मतलब कि सन्निकृष्ट जे नजदीक आ विप्रकृष्ट जे दूर, ओ दुनू से जे बनल से परंपरा होइ छै। तो विप्रकृष्ट भेला हमरा सबके गौतमो से पहिने, सन्निकृष्ट में मानि लिअ दुर्गाधर बाबू, आ ओहिठाम तक एकटा अविच्छिन्नता छै। ओकरा पाणिनि जे छै से एकर जे कंस्टुएंट देने छै से देने छै, ओहिमे की सब रहैक चाही जे ओ परम्परा बनि जेतै, ओ अविच्छिन्न श्रृंखला होइक चाही एकटा। दोसर ओहिमे अनुपूर्वीय होइक चाही, सक्सेशन होइक चाही। तेसर ओहिमे एकटा प्रणाली होइक चाही, क्रम होइक चाही, सुव्यवस्था होइक चाही। अतेक चीज जाहिमे छै से परम्परा छै। और ज्ञान के क्षेत्र में, भावना के क्षेत्र में नहीं, हमरा सब जखन कि न्याय करै छी तऽ भावना से बिल्कुल दूर रखै छी, एकदम कतौ भावना का स्थान नहीं छै। तऽ बुद्धि के क्षेत्र में जे ई सब गुण पाओल जाए छै से एकटा न्यायटा में पाओल जाए छै। और ओ न्याय एहिठुमका जीवन में, एहिठुमका कला में, एहिठुमका भाषा में, एहिठुमका साहित्य में देखल जा सकै छै। तै हम कहब जे न्याय जे छै से एहिठुमका किएक तो ओहि तीनू क्षेत्र में हम ओकरा देख रहल छियै, भाषा में देख रहल छियै, साहित्य में देख रहल छियै और लोक कला में देख रहल छियै। तैं लौकिक दर्शन एकरा सेहो कहि सकै छियै। और मने दर्शन बहुत टेक्निकल सेंस में सेहो कहि सकै छियै। आब हमरा अपने लोकनिसँ ई पूछऽ के जे हम तऽ एखन तक संचालन करै छलहुँ, हमरा अपनो बात रखबाके अनुमति अपने सबसँ भेट रहल छै तऽ हमहूँ समय सीमामे अपन बात राखि ली। हमरा एकटा दृष्टता करऽ पड़ि रहल है जे हम मञ्चपर छी, एकरा बाद ओ संचालन केलहुँ हँ, तैँ अपन परिचय हमरा अपने देबऽ पड़त। हमर नाम नरेश झा छी, देखने हैब कार्डमे। पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियडमे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर हमर PhD अछि, और वही से संबंधित बात, खास करके रूरल डेवलपमेंट से संबंधित बात हम एखन तक करित रहलहुँ हैं। वही से संबंधित एकटा संस्थान छै भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के, जन शिक्षण संस्थान समूचा देश में छै, तैमे एकटा गया में छै जाहिमे हम कार्यरत छी। हमर चिंतन के विषय जे रहल है, चूँकि रूरल डेवलपमेंट हमर बेसी अभिरुचिक विषय, ते दुआरे मिथिलांचल के ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञान परंपरा के दर्शनक जे अवदान छै से एहिठामक व्यवहार में विकास के कतौ कतौ जोड़ सकै छै, ओहि संभाव्यता पर हमर अपन चिंतन चलैत रहैए। चूँकि आई ई कार्यक्रम सर्वतंत्र स्वतंत्र पंडित बच्चा झा के समर्पित छनि, हुनकर पुण्यतिथिक वर्ष पर प्रपौत्र छियनि, ई कहबा में हमर जी एहि दुआरे थरथराई है जो हम ओहि क्वालिटी के कतौ से रिजर्व नहि करै छी, लेकिन हमरा कहबा के आदेश भेल तैं हम कहि देलहुँ। हम बताबी जे टीचिंग मेथोडोलॉजी में हुनका ओहिठाम बहुतो छात्र छलखिन, हजारो हजार के संख्या में विशिष्ट छात्र छलखिन। प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र जी ओकर बढ़िया अपन स्टॉक रखने छथि अपन आर्टिकल्स में, अपन मेमोरीज में, अपन सब राइटिंग्स में सब ठाम। एक दिन ओ बैसल छलाह, हुनकर पत्नी बैसल छलखिन बरामदा पर, एकटा सज्जन एलखिन, कहलखिन जे गुरुआइन हमरा गुरुजी से भेंट करऽ के, किए तो हम व्याकरण पढ़ के अयलहुँ हैं, हमरा आब जे छै से अगिलका विषय पढ़ के अछि। कहलखिन बड़ बढ़िया, व्याकरण पढ़ के अयबे केलहुँ। ओ एलखिन, एलखिन तऽ विद्वानक पत्नी जे होइ छथिन से कनि डोमिनेंट होइते छथिन। कहलखिन जे हे यौ, ई से व्याकरण पढ़ के अयला है तऽ हिनका तऽ आब सब चीज भइए गेल छनि, कने अहाँ पढ़ा देबनि जे जल्दी से भऽ जाइन, ब्याहो कऽ के नहि अयला है, ब्याहो जल्दी करबाके छनि, एहि तरहक ऑर्डर भेलै। अच्छा ठीक छै, एलखिन हँ तऽ रह ने जौन, आओर सब लोक सब पढ़ै छथिन, इहो पढ़ता भेलै। दू तीन महीना के बाद गुरुआइन पूछलखिन जे की यौ,
किछ पढ़ाई लिखाई होइ छै या त नै गुरु है हमरा त आइ तक गुरुजी कहियो हमरा दिस तकबो नै केलै ने कोनो पढ़ाई लिखाई नै भ रहल छै भोजन पर एला त क्लास लाग गेलन कहियो यो हम हुनका स्पेशली कहने रही अहाँ के पढ़ावा के लेल आइ तक अहाँ पढ़ेलिए नै हुनका हम कहने रही नै जल्दी पढ़ के जब आगे छन अच्छा लक्ष्मीनाथ जी कहलन है तने ओ नै कहलन है फिर अहाँ हुनका पूछ देबन त बात बड़ा झंझट में पड़ जेतै हम कहै छी जे जल्दी जल्दी पढ़ाबियो न बे बढ़िया दुपहरिया में सुति के उठला लक्ष्मीनाथो जी छलखिन लक्ष्मीनाथ जी महाराव विद्वान लोग के नायल रहथिन कहलखिन नवानी अला से कोनो फायदा बुझाइए तो हाँ गुरु जी फायदा तो बुझाइए तो की फायदा बुझाइए तो बुद्धि में फड़ी छे बुझ पड़े एनलाइटनमेंट रिमूवल ऑफ डार्कनेस बुद्धि में फड़ी छे बुझ पड़े बड़ बढ़िया तो रहबे न तो हाँ छे अही ठाम छे ठीक छे तो रहू पढ़ू सिस्टम ही चले ना उनकर जो उनकर जे निकटस्थ विद्वान छलखिन है तिनका कह देथिन जे जहन अहाँ स्टूडेंट के जिज्ञासा के लेवल ऊपर में बढ़ित देखिए तहन हमरा भिनसरू पार में मॉर्निंग वॉक में जे तीन टा स्टूडेंट जाइए तो इमें ओकरा शामिल कर दियो आप लक्ष्मीनाथ जी के ओ टर्म आबि गेलन तो ई भेलै जे प्रातः काल गुरु जी टहल ले जेता आ पोखरि दिस सेहो जेथिन तो लक्ष्मीनाथ जी ओहिमे रहता बढ़िया लक्ष्मीनाथ जी में चल गया तीन चार दिन का बाद लक्ष्मीनाथ जी जिज्ञासा कलखिन जे गुरु जी से एक बात पूछवा की इच्छा हुई है चूंकि वो रात भर करोड़ पत्र लिखे चला है तो कह रहे जाग जाग छलखिन है आंख लाल रहे चलन है तो लोग बुझन की जे तमसायल रहे बात से नहीं रहे चले रात भर जे जगते या लिखते तक आंख में तक परिवर्तन हेवे करते और लक्ष्मीनाथ जी कहलखिन जे जिज्ञासा तो करू की जिज्ञासा वो जिज्ञासा कलखिन उमर से जे एला तो अपन हाथ पैर धोत एना के आंख उठा कहलखिन लक्ष्मीनाथ जी जाओ गाम पर बोरिया बिस्तर बांधू आ चल जाते रहो लक्ष्मीनाथ जी एला और तुलसी पीड़ा लग में बैस के हाक पैर का कान लगला गुरुआइन कतौ से दौड़ल एलखिन की भेल लक्ष्मीनाथ जी तो देखियो गुरुआइन हमरा कहियो पढ़ेलन नहीं आ आइ हमरा डाइट का कहलन जे चल जाओ से यही होय तावत वो प्रकृतस्थ भ गेल छलाह दिन निकल गेले मस्तिष्क सामान्य भ गेल छलन पत्नी तुरंत बजलखिन कहलखिन महाराज अहाँ तो जुलुम कर देलिए एकरा पढ़ेलिए कहियो नहीं आ डाइट के भगा रहल छिए एहन अन्याय किया जी लक्ष्मीनाथ जी काने छी किया तो हमरा तो गुरु जी पढ़ा अच्छा अच्छा ठीक छी अब अहाँ के पढ़ाई भ गेल अब अहाँ किछु करब गे ने आइ जे अहाँ जिज्ञासा केलहुँ तैसे हमरा बुझायल जे अहाँ नवानी में रह के पढ़ लेलहुँ आब अहाँ एहिठाम से जाओ ओहिसँ अगला बात देखियो मालवीय जी के चिट्ठी लिखलखिन जे नाको हमस में नाकोस में परमात्मा पराभव न मे प्रयोजनम किंचित न मयापि प्रयोजनम लक्ष्मीनाथ जी हमरा से पढ़ के जा रहल छथि हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग अध्यक्ष भेला और डॉक्टर राधा कृष्णन जहन ओहिठाम वीसी छला है तो हुनका से भामती पढ़े छला है जखन वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चला है तो लक्ष्मीनाथ जी के देहांत भेलन और राधा कृष्ण कहलखिन एना करू जो हुनकर जे संस्कार हेतन ते में हम स्वयं आयब और हम घाट तक जायब बनारस में गली में गिनाई बड़ा कठिन छले है और दू मुर्दा जतेक लकड़ी से जरे छी ततेक के प्रबंध राखल जाय एक मुर्दा पर एक लकड़ी चिता पर हुनका लक्ष्मीनाथ जी के सुता देल गेलन दोसर लकड़ी बचल चले और राधा कृष्णन के श्मशान में स्वयं अश्रुपात होन आ ओहि पर चिता पर लकड़ी दथिन तो लोग पूछन जे महामहिम किया कोने छी तो आप भामती पढ़ाव वाला दुनिया में क्यों नहीं बचल टीचिंग मेथोडोलॉजी के एक उदाहरण ऋषिकेश में अखिल भारतीय दार्शनिक विद्वत सम्मेलन छले सर्वतंत्र स्वतंत्र में गेल छला वो जतवे नास्तिक पक्ष पर बदला उतवे आस्तिको पक्ष पर बदला पंडित शिव कुमार मिश्र सनक विद्वान जिनका सो पढ़नो छलखिन है से कहलखिन देखो विद्वान लोग तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कहिए गुरु जी क्या सवाल है तो तुम एक शब्द में बता सकते हो कि ईश्वर है या नहीं है एक बार में तो बताना कठिन है कनेक समय दिया हमरा ठीक है हमरा सब सेकंड हाफ में आए अहाँ तैयार रहो विद्वान लोग गिला आप कह रहा छथिन पंडित बच्चा झा जे संदिग्धे पिपरे लोके कर्तव्य पुण्य संचय नास्ति चेन नास्तिनो हानि अस्ति चेन नास्तिको हता ईश्वरक सत्ता में जो संदेह हुए तैयो नीक काज करो के चाहिए प्रोफेसर ठाकुर शुरू में कह दिलन वाद विवाद और वितंडावाद
ईश्वरक संबंध में तो तीनू टा वाद विवाद आ वितंडा चलत रहते, लेकिन आस्तिक नास्तिक मत चलत रहते। तो यदि ईश्वर के सत्ता में संदेह भ गेल तैयो निक काज करी, किया निक काज करी, तो ईश्वर छथि आ ईश्वर नहीं छथि, दुनू विवाद चल रहल छे। ईश्वर नहीं छथि ई मान के जो अहां बेजाय काज करो लगलो आ अंत में सिद्ध भेल जे ईश्वर छथि तो अहां के समय बर्बाद भेल। ईश्वर छथि ई मान के जो निक काज केलौं आ अंत में सिद्ध भेल जे ईश्वर नहीं छथि तो बेजाय की केलौं। अब एठाम सवाल ई उठ के चाहिए ज्ञान परंपरा में, हमरा लोकन जे परंपरा के जतो आइन के एकैसम शताब्दी में जोड़ चाहे छे, जे हम सब वाद विवाद और वितंडा के चलत रह दी, ओकर कंटिन्यूटी जे छे वो कायम रहे, वो चलत रहे, लेकिन हमरा लोकन के काज के चुनाव, परंपरा के चुनाव, पद्धति के चुनाव से हमर जे मैथिला ज्ञान परंपरा है तैसा करक चाहिए। क्या तो हम शुरुए में कह देने रही जे यदि कंट्री क्राइम ग्राफ बनायल जाए गवर्नमेंट के अवेलेबल सेकेंडरी डाटा से तो मिथिलांचल ओय में बहुत नीचा छे। ई जे हमर खासियत छल जे हम काज के परिभाषित क के, विधि के परिभाषित क के, पद्धति के परिभाषित क के समूचा दुनिया हमरा कहलक जे धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयो मिथिला व्यवहारतः, मिथिला में जे व्यवहार छै तही से अहाँ ड्यूटी के डिसाइड करू, ड्यूटी के डिसीजन निकालू, कर्तव्य कर्तव्य विचार करू। आई दिस हमरा लोकन के बेसी आकृष्ट हो के कर्तव्य प्रधान बन के बाकी वाद विवाद और वितंडा में शामिल रह के चाहिए। हमरा लगे जो हम 5 मिनट से बेसी लो लेने हैं, अपने सबके कष्ट भेल है, क्षमा करी। कितना हो गया है? सवा घंटा हो गया, तो 60 हो ही गया। अब अपने लोगन बहुत काल से बहुत धैर्य रख लिए, आपके सवाल से वो हवा के चाहिए। 15 मिनट हमरा लोगन लग में समय है और हमर जे हाँ और सब अपना 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 विषय के कतेक विशिष्ट लोग सब छथि, सुलभ सुयोग हमरा सबके प्राप्त है। तैं हमारी निवेदन जे अपने सब दिशा के जिज्ञासा होए और वही जिज्ञासा पर वक्ता लोकन अपने लोकन जवाब। ई जिज्ञासा हमरा प्रोफेसर अरुण मिश्र जी से अछि जे मैथिली भाषा में ज्ञान परंपरा के लिखल गेलै कि नहि। हमरा बुझल छले जे किछ आधुनिक नयायी एहि युग मे ओहियो लिपि मे लिखलखिन, लेकिन आइ एकटा ज्ञानी पुरुष कहला जे नहि, एखन तक जे छै से ओकरा जे छै से भाषा मे मतलब मैथिली भाषा मे जेना न्याय के टेक्स्ट संस्कृत मे लिखल गेलै, तऽ ओकरा कोनो विद्वान मैथिली लिपि मे या मैथिली भाषा मे लिखलखिन कि नहि आधुनिक युग मे? जँ वाक्य पदियमके, वाक्य पदियम जे छै से व्याकरण दर्शनके छै, तऽ ओकर अनुवाद छै सीतानाथ झाके छै। ओकर बाद पंडित दुर्गाधर झाके बहुत रास एहन पुस्तक मने जे मैथिली अकादमीसँ खास कऽ कऽ छपल छनि, तऽ ओहिमे ओ जबकि हुनकर व्यक्तित्व पक्ष पर ओहिमे बेसी ओ देने छथिन, तथापि हुनकर जे कृतित्व छै उदयनाचार्यके तकर ओहिमे ब्रीफ ओ केने छथिन दुर्गाधर। खड़गनाथ ओ बालकृष्ण मिश्र ग्रंथावली स्मृति ग्रंथ छै जे कि साहित्य की सरस्वपाही से निकलल छै, ओहिमे खड़गी पंडित खड़गनाथ मिश्रके कार्य कारण भाव पर मैथिली में लिखल छ लेख छ लेकिन लिखल छ। तो ई कहि देनाय जे नहीं छ व्याकरण दर्शन के उदाहरण हम छी सीतानाथ बहु के दो देना, ओकर बाद दुर्गाधर बहु के उदयनाचार्य पर, ओकर बाद खड़गी बहु के स्वतंत्र लेखन छ। निश्चित रूप से वो न्यायिक छले, तो कार्य कारण भाव जे छै से न्याय के
चिंता में छे लेकिन वो छे जी। अपने के जे प्रश्न छले अरुण जी तो बहुत निक से उत्तर दिए देलत मुदा एमे एकटा हमरा किछ निहित भाव से हो बुझायल तै दुआरे भाषा विज्ञान के दृष्टि से पर से हो किछ कह चाहे छी बहुत संक्षेप में कह देबे। अपने के प्रश्न में ई है जे कि संस्कृते भाषा में खाली ज्ञान के निहित भाव हमरा बुझायल कि संस्कृते भाषा में मात्र ज्ञान के आदान प्रदान भेले चर्चा भेले अन्य भाषा में नहीं भेले या लोक भाषा में नहीं भेले तैं अइ में सबसे पहिने हम एक दूटा बात कहबे जे संस्कृत शब्द के भाषा के अर्थ में प्रयोगे बहुत बहुत बाद के छे लगभग सातवीं आठवीं शताब्दी ओइसे पहिने सब भाषा छले भारत में वो डिबेटे नहीं छे जे कि संस्कृत ई भेले या प्राकृतो भेले ई डिबेटे नहीं छे ओइसे पहिने औचित्य विचार में सबसे पहिने ई संस्कृत शब्द के प्रयोग अबे छे भाषा ला ओहो अइ दुआरे कि कोन परिप्रेक्ष्य में कोन प्रयोग उचित छै अनुचित छै ओहि लए तऽ क्षेमेन्द्र प्रयोग करै छै तऽ ओहिसँ पहिने संस्कृत लैंग्वेज लए नहि अबै छै भाषा आ भाषा के अर्थ भस धातु सँ छै जकर एकटा सामान्य अर्थ भौंकनाइ छै मने हम अखन भौंक रहल छी बेसिकली ओ सामान्य अर्थ ओ छै तै दुआरे एहि तरह सँ यदि अहाँ देखबै तऽ मात्र संस्कृते टा मे ज्ञान परम्परा के एहन आदान प्रदान नहि छै बल्कि संस्कृत जकरा कहि रहल छियै अपने ओहू मे जे छै से बहुत सारा तथाकथित प्राकृत के प्रयोग भेटत जेना जेना एकटा उदाहरण हम कहलियो देने छलियै किछु लोक छथि हुनका से तऽ वएह उदाहरण अखनो हमरा ध्यान मे आबि रहल अछि आ एकटा उदाहरण अखन एहिसँ पहिलका सत्र एहिठाम जे भेल छलै तहू मे देल गेल छलै मुदा हम अपने उदाहरण दै छियै गोविन्द आ गोविन्द बाबू जे हमसब कहै छियै आ विद्वान बच्चा झा बच्चा जे शब्द छै चाहे नाम के स्तर पर देखियो आ वत्स सँ उठाओ चाहे जतऽ सँ उठाओ चाहे नामकरण सँ देखियो चाहे गोविंद सँ देखियो ई सब प्राकृत के शब्द छियै गोविंद संस्कृत के शब्द नहि छियै आ अही प्रकार सँ अहाँ न्याय में सेहो देखबै तऽ ओकरो जे छै आ एहिठाम के भाषा में अहाँ सुनबै कि अहाँ कहबाक तात्पर्य की अहाँके अर्थ की अर्थ आ तात्पर्य दुनू जे छै से न्याय या मीमांसा या पूर्णतः दार्शनिक शब्द छै बल्कि तात्पर्य तऽ कैटेगरिये छै न्याय के आ न्यायिक सबके कंट्रीब्यूशन छै आ तै दुआरे चूँकि बस एक दू लाइन और जोड़ दै छी चूँकि सोलहवीं शताब्दी सँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सेहो चर्चा भेलै ई जे एहिठाम अखनका जे ज्ञान के समस्या छै ई हमसब ओतै ठाढ़ छियै जतऽ मोनोथीस्टिक एकेश्वरवादी वर्ल्ड व्यू पूरा दुनिया के एक्सप्लेन करऽ चाहै छलै नहि कऽ सकलै आ तहन पूर्व दिस तकलकै तऽ आइयो हमर सबके जे न्याय आ नव न्याय के परम्परा छै ओहिमे जे लॉजिक छै ओहिमे अहाँके जे लॉजिकल पैरामीटर्स छै ओ बल्कि सर तऽ तीने टा कहलखिन पाँच टा छै वाद विवाद वितंडा के अलावा जल पहिया सर कहि देता हम नहि कहबै छल पाँच टा छै तऽ ओ पाँच टा छै निग्रह स्थान जी तै दुआरे एकरा कखनो भाषा से जोड़ि कऽ नहि देख सकै छियै कियाकि संस्कृत भाषा अपने आप में संस्कृत भाषा नहि रहल छै आ ओ हमेशा ओ पाणिनीय संस्कृत नहि रहल छै एकर बहुत नीक उदाहरण यदि देखबै तऽ आब ओ किताब के अनुवाद भऽ चुकल छै एहि साल प्रकाशित भेलैए जे षष्ठी शेषे संस्कृत के सूत्र छियै जे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक नहि होइ छै ओही पर हमर एकटा बहुत पैघ पूरा स्ट्रक्चरलिस्ट संरचनावाद आंदोलन के जे जनक छथि हुनकर काज छनि सोस्यूर के तऽ हुनकर पुस्तके ओही पर छनि पहिने एहि साल अनुवाद भेलै अंग्रेजी बहुत नीक अनुवाद नहि छै हमहूँ लागल छी देखै छियै चूँकि ओहिमे लैटिन आ ग्रीक के बहुत रेफरेंस छै ओकर अनुवाद नहि भेल छै हमहूँ लागल छी देखै छियै ओकर अनुवाद हमहूँ करऽ चाहै छियै तऽ ओहि अनुवाद मे अहाँ देखबै तऽ अहाँके स्पष्ट पता चलत जे कि केना केना भाषा के संस्कृत भाषा अपने आप में लोक भाषा और प्राकृत भाषा के स्वरूप में जीवंत रहल छै आप चाहे कोनो ग्रंथ अहाँ पढ़ि लेबै चाहे साहित्य शास्त्र के दूटा शास्त्र ग्रंथ हम बेसी पढ़ने छिए साहित्य शास्त्र आ भाषा शास्त्र के तऽ हमर सबके एहि मे ई प्रश्ने अहाँ के मन में नहि हेबाक चाही कियाकि भाषा भाषा होइ छै आइयो अहाँ ई नहि कहि सकै छी कि मैथिली कोन छै एहिमे मिथिला के जे परम्परा चूँकि ओकर हमसब गप कऽ रहल छियै तऽ मिथिला के परम्परा एकटा बहुत पैघ परम्परा छै जे पूरा देश के 22 भाषा मे एकैटा इएह भाषा छै जकर लिपि निर्धारित नहि छै अहाँ RTI से पूछ लियो ओकर लिपि निर्धारित नहि छै
हिंदी के जहन परिभाषित करे तो कहे छे कि हिंदी दैट इज रिटन इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी जे देवनागरी भाषा स्क्रिप्ट में लिखल हो, मैथिली के स्क्रिप्ट निर्धारित नहीं छे, मैथिली के लिपिक के जे पूरा परंपरा छे वो निर्धारित नहीं छे, ये एक मात्र भाषा छे जे हरेक प्रकार के जे भिन्नता भाषा के रूप में छे आ समाज के रूप में छे सबके स्वीकृति दे छे। आर कोनो जिज्ञासा कुमरो सर? हमरा लोकन लग में 7-8 मिनट समय और बच रहा है। इहो मिथिला के एकटा हमर सभक विशेषता छे जे गूढ़ गप हम सब कमे काल में कह लै छी। नीक चीज कम क खाए सुपाच्य है, आ ज्ञानार्जन कम समय में करब तो बेसी दिन टिकत, थोड़ क पढ़ब तो जल्दी विद्वान हुई है लोग, आ एक दिन में बेसी पढ़ लगी है तब विद्वान हवा के जे पीरियड छे से आगू खिंचा जाए छे। हम ही कही जे ये सत्र चलल ते सत्र में हमर सबटा अंदेशा मिटा गेल। पहिल अंदेशा तो ई छल जे अपने लोकन संग देव कि नहीं देव, कहीं इमहर से लंबा खींचा लगलिए तो अपने सब हिल डुल ते नहीं जेबे, से अपने लोकन बहुत धैर्य रखलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोकन। दोसर अंदेशा ई छल जे हमरा लोकन एहन ओझरायल विषय लकर मंच पर जा रहल छी, ई कतेक सोझरा सकते, हम अपने सब वक्ता के सब विचारदाता के सब प्रस्तुतकर्ता के हृदय से आभारी छी, जे विषय के टच करे के छले जे हमरा लोकन उभार के चर्चा में लाव चाहे छलो है, भ्रांति के स्तर ई भ गेलै है जे मिथिलांचलो में यदि आब नव्य न्याय और न्याय कहियो तो लोग ओकरा एखन जे डेमोक्रेसी के जुडिशियल सिस्टम छे ओहि से जोड़ दै छे, न्याय कोनो विषय छल, नव्य न्याय कोनो विषय छले, दर्शन तो लोग के परिचय छै हो, न्याय और नव्य न्याय से परिचय नहीं छै। हमरा लगे जाय हमरा सब मिल के न्याय और नव्य न्याय के सामाजिक संप्रेषण दो सकिए, अइ अर्थ में ई परिचर्चा बहुत सार्थक रहल। ते एक से एक वक्ता चलखिन और अपने लोग अइ चर्चा के एकटा हमरा सनक विद्यार्थी के लेल जिज्ञासु के लेल ततेक रुचिकर बना दिलिए जे आप अपने लोकन से अलगो हवा में कष्ट भ रहल है, दुष्यंत के उपाती घर आए मेहमान बने अब निष्ठुर प्राण बने जाते हो, तो से चर्चा एतेक सार्थक भेलै जे हम एकरा मिस करत रहब। अपने लोकनिक बहुत बहुत आभार, अपने लोकन के बहुत बहुत कृतज्ञता।